वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुई धागा रिलीज हो गई है। इस फिल्म में आपको साधारण प्रेम कहानी देखने को मिलती है। इस फिल्म में ममता और मौजी की कहानी है जो धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ती है। ममता का किरदार निभाया है अनुष्का शर्मा ने और मौजी का किरदार निभाया है वरुण धवन ने। ममता मौजी सुई धागे की तरह ही अपने रिश्तों को पक्के धागे के साथ मजबूती से बुन रहे हैं। शरद कटारिया की यह फिल्म है जो इस फिल्म में सच में आपको मेक इन इंडिया की कैंपेन की झलक दिखाने की कोशिश की है। यह फिल्म स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए सच में आपको प्रेरित कर सकती है। फिल्म को मध्य प्रदेश के चंदेरी में शूट किया गया है। फिल्म की कहानी भी बहुत हटकर है। अपने नाम की तरह ही मौजी हमेशा मस्त रहने वाला आदमी है और अपने रोजाना की परेशानियों के बीच एक औसत आदमी मौजी हमेशा कहता है सब बढ़िया है। कुछ भी परेशानी आ जाए सबके बीच हर समय यही कहता है सब बढ़िया है। फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला मिलेगा। चाहे मौजी की निजी समस्याएं हो, उसकी नौकरी हो, मालिक की डांट हो, बीमार माँ हो या मौजी पर हमेशा गुस्सा करने वाले उसके पिता हो। मौजी की पत्नी को घर के कामों के बीच कभी भी अपने पति से प्यार करने का टाइम नहीं मिलता। सुई धागा एक आम आदमी की समान जिंदगी की संघर्ष की कहानी है। फिल्म कई किरदारों के आसपास घूमती है। वरुण धवन ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना किरदार निभाया है। वहीं बात किया जाए अनुष्का शर्मा का तो वो भी आसानी से अपने कैरेक्टर को जी लिया है। साधारण साड़ी में और कम मेकअप में अनुष्का हमेशा अच्छा किरदार कर जाती है। फिल्म में इन दोनों के किरदारों के बीच बिना रोमांस के भी प्यार दिखाई देता है। मौजी एक साधारण इंसान है जो डे जॉब करता है और साधारण परिवार से संबंध रखता है, लेकिन मालिक के बुरे बर्ताव के कारण उसे नौकरी छोड़ना पड़ता है क्योंकि मालिक कभी उसे पार्टी के बीच में कुत्ता बना देता है, कभी सांड बना देता है और यह चीज उसके पत्नी ममता को एक बार पता चल जाता है और उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कोई अपना बिजनेस शुरू करने का जिससे एक भला इंसान का जिंदगी जिया जा सके। और वह फैसला करता है कि मौजी अब अपना बिजनेस शुरू करेगा। इस काम में उसकी पत्नी ममता के सिवाय कोई भी शख्स उसका साथ नहीं देता है और यहीं से फिल्म में शुरू होती है ममता और मौजी की स्ट्रगल की कहानी। मौजी अपना काम तो छोड़ देता है लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वह अपना और अपने परिवार वालों की देखभाल कैसे करेगा। उसे हर वक्त अपने परिवार की चिंता सताते रहती थी, लेकिन ममता उसे सलाह देती है कि वह सिलाई में काफ़ी परफेक्ट है तो उसे सिलाई का काम करना चाहिए। ममता को यह बात अच्छे से पता है कि मौजी सिलाई का काम अच्छे से जानता था क्योंकि उनके जो बाप दादा थे एक अच्छे कारीगर हुआ करते थे। वही ममता भी कढ़ाई करने में माहिर है। इसके बाद दोनों अपना काम खुद से शुरू करते हैं और सिलाई का काम शुरू करने के बाद अपने आगे का रास्ता बढ़ते हैं। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जोड़े अंत में अपने मंजिल पाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिल्म में कैसे कैसे संघर्ष करके दोनों आगे बढ़ते हैं ये पूरा जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। अगर आप सुई धागा की देखने की चाहत रखते हैं तो आपको इस फिल्म की सिंपल कहानी, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा तथा रघुवीर यादव का जो एक्टिंग है और म्यूजिक और डायरेक्टर शरद कटारिया की निम्न मध्यवर्गीय परिवार के संघर्ष और उनके सफल होने की कहानी आपको इम्प्रेस करेगी। बात आता फिल्म का गीत संगीत का तो फिल्म का गाना पहले से लोगों को जुबान पर चढ़ा हुआ है। फिल्म में निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बीच रोज होने वाले झिझक और रोमांस आपको बीच बीच में हंसने के लिए मजबूर कर देगा। फिल्म का संगीत और गाने कहानी से जुड़ते दिखाई देते हैं। हालांकि फिल्म बीच बीच में इतनी सीरियस काफ़ी सीरियस हो जाती है तो कभी कभी काफ़ी बोर भी कर सकती है। अब बात करते हैं एक्टिंग का तो फिल्म में दोनों पात्र अपने रोल के लिए काफ़ी वफादार दिखाई दिए हैं। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की बेहतरीन एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। फिल्म में वरुण अपने देसी अंदाज के लिए किरदार में खुलकर सामने आए हैं। वहीं ममता यानी अनुष्का शर्मा काफ़ी दमदार लग रही हैं। फिल्म में अन्य पात्र जो सपोर्टिंग रोल में रघुवीर यादव हैं और वरुण धवन के पिता का जो रोल कर रहे हैं काफ़ी दमदार लग रहे हैं। भले ही उनका रोल छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा रोल किए हैं। मौजी की माँ के रूप में आभा परमार को भी देखना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस यही था सुई धागा का रिव्यू, बाकी सब बढ़िया है। मैं फिल्म को 5 स्टार में से 3 स्टार देता हूँ। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों यह बिल्कुल फ्री है।